ऐसे लारा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए, केसरिया पगड़ी पर अपनी चांद सितारे नहीं लगाए, और देश समूचा अकबर के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। तानसेन का राग सुनाने वाले हैं, तानसेन का राग सुनाने वाले हैं, कविता में प्रयाग दिखाने वाले हैं, किंतु हमें मधुर मनमोहक मत समझो, हम पानी में आग लगाने वाले। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण के सामने खड़े होने की औकात उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, गजनवी कासिम मोहम्मद गौरी को मानक बना लें, मरकजों के व्यू में मक्कार कितने भी पले हो, या जहालत के जहर की ओढ़नी में खुद ढले हो, रथ विजय पथ पर कभी पापी का चल पाया नहीं, विधान कोई भी कभी सच का बदल पाया नहीं, इतिहास के पृष्ठों को पढ़ लेना जरा तुम खोल कर, आए दमनकारी यहां जितने गए सब लूट कर, देश को तोड़ा मरोड़ा धर्म का दीपक बुझाया, उपनिषद वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों को जलाया, किंतु अग्नि में कभी प्रहलाद जलते हैं नहीं, ठोकरों से देश की बुनियाद हिलती है नहीं, अरे डगमगाती रही माटी हौसला टूटा नहीं, भारती की आंख से आंसू कभी फूटा नहीं, तोड़कर षड्यंत्र के पिंजरे सदा आगे बढ़े, कष्ट लाखों झेलने के बाद भी निर्भर खड़े, प्रसन्न होकर हम जिए संताप से उबे नहीं, कूप से बाहर निकल आए कभी डूबे नहीं, गलतियां किंतु पुरानी अब नहीं दोहराएंगे, सभ्यता अपनी बचाने के लिए मर जाएंगे, पहले सभी पासे यहां शकुनी के मारे जाएंगे, कर्ण के कानों से कुंडल फिर उतारे जाएंगे, अब्दुल हमीदों के हमेशा गीत गाए जाएंगे, जयचंद हर युग में सदा बेमौत मारे जाएंगे। जयचंद हर युग में सदा बेमौत मारे जाएंगे। और वो महाराणा प्रताप, ये उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जिन्हें देशभक्ति की बात सुनने में हंसी आती है, लैला मजनू की टोपी उतारकर, अगर पंकज पंडित को सुनना है श्रीमान जी, तो लैला मजनू की टोपी को उतारकर सरदार भगत सिंह की पगड़ी को पहनने का प्रयास करें। कहना चाहता हूँ, जिसने घास की रोटी को खाना तो स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को जिसने अपने पैरों की जूती पर रखा, कहना चाहता हूँ मैं सत्य लिखूंगा, हिंदुस्तान के स्वाभिमान का दर्शन करा रहा हूं, मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको, मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको, इस दिव्य धरा का पावनतम इतिहास बताता हूं तुमको, यह कथा शौर्य की देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है हमको, सस्य श्यामला धरती का भूगोल बताती है हमको, वो आवाजें जो टुकड़ों में खंडित करती चट्टानों को, यशगान देश का ठुकरा देता जयचंदी यशगानों को, वो योद्धा जिससे मुगल सल्तनत डरती थी भय खाती थी, भारत माँ जिसके माथे पर साहस का तिलक लगाती थी, वो योद्धा अपने हाथों में प्राणों को लेकर चलता था, संकल्पवान संकल्पों को पक पक पर नहीं बदलता था, यह देश सदा सम्मान किया करता है वीर सपूतों का, मुगलों ने लोहा माना था राजस्थानी रजपूतों का, राजस्थानी रजपूतों को यह भूमि पुकारा करती थी, और राजपूतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। और राजपूतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी। अगर आपकी धमनियों में रुधिर का उबाल बढ़ जाए तो एक एक व्यक्ति का समर्थन मिले। ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए, ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए, केसरिया पगड़ी पर अपनी चांद सितारे नहीं लगाए, और देश समूचा अकबर के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। तब मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है, प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है, काले बादल मंडरा हैं तो उन्हें छांटना आता है, और जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया, तो हम राणा के बेटे हैं फिर शीश काटना आता है।
तब युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, इस शीश काटने में हम कामयाब कब होंगे? नित्य प्रतिदिन जब हमारे हिंदुस्तान को खंड खंड करने का प्रयास किया जा रहा हो, हम 200 साल पहले जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था उसमें कहीं अफगानिस्तान तो पाकिस्तान तो म्यांमार तो तिब्बत तो नेपाल तो भूटान तो बांग्लादेश के रूप में अपने तमाम हिस्सों को गवा चुके हैं। आज भी जो कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन के पास हमारा हिस्सा है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हम और आपको माफ़ नहीं करेंगी। कहना चाहता हूँ कि जिन्हें भारत के भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, जिन्हें भारत के भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी, जिन्हें सुदामा की आंखों से गिरते आंसू पीने थे, जिन्हें समुन्दर की लहरों को लाखों उत्तर देने थे, जिनको नचकेता बन करके यमदूतों से लड़ना था, भारत के उत्तर में स्थित तुंग हिमालय चढ़ना था, दक्षिण में पहले सागर की गहराई तक जाना था, जिनको अपनी मेहनत से मरुथल में कमल खिलाना था, कलियों की रखवाली करना जिनकी जिम्मेवारी थी, चक्रव्यूह के भीतर घुसकर लड़ने की तैयारी थी, समरांगण में साहस की रणभेरी जिन्हें बजानी थी, गर्दनें काटनी थी या फिर गर्दन अपनी कटवानी थी, अरे बेजुल्फों में उलझे जिस्मों के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्हें कटारों पर चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। जिन्हें कटारों पे चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। अरे कर्तव्यों से विमुख हुई है भारत की तरुणाई है, कर्तव्यों से विमुख हुई है भारत की तरुणाई है, पुरखों की उम्मीदों पर यह खरी उतर ना पाई है, मर्यादा पर कफन उड़ाकर संस्कार से खेल रही, संघर्षों के पथ से डरकर अपना रास्ता मोड़ रही, और मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे, और जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। 7.5 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी है तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और तब जाके आज इस अटल बिहारी विश्वविद्यालय में हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे। कई माएं तो ऐसी थी जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया, और उसके बाद देश की तमाम सरकारों ने उस बेटे को आतंकवादी करार साबित कर दिया। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि पन्ने पलटो इतिहासों के आंख फटी रह जाएंगी, पन्ने पलटो इतिहासों के आंख फटी रह जाएंगी, वीरों की अनगिनत गर्दनें कटी हुई मिल जाएंगी, मिल जाएंगे फंदे पर लटके भारत के सूरवीर, आंखों में जिनकी प्रलयकारी गंगा का रौद्र नीर, अरे मिल जाएंगे आसमान पर तिलक लगाने वाले, खून से अपने आजादी का दीप जलाने वाले, सुनो कबूतर के बदले में बांस उड़ाने वाले, आजादी के हवन कुंड में मुंड चढ़ाने वाले, अरे मिल जाएंगे कंटक पथ पर वर्षों चलने वाले, और मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। तब मैं कहना चाहता हूं कि भूल हुई है जिन पृष्ठों से वह इतिहास खंगालो तुम, भूल हुई है जिन पृष्ठों से वह इतिहास खंगालो तुम, पायल की झनकारे छोड़ो हिंदुस्तान संभालो तुम, अरे उठो देश के युवा साथियों एक नई हुंकार भरो, और विश्व पटल पर भारत माता की तुम जय जयकार करो।